देखिए जब तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई नहीं आ जाती 2020 के बाद ही, तब तक मैक्सिमम क्वेश्चन एजुकेशन के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एंट्रेंस टेस्ट में, बीएड के एंट्रेंस टेस्ट में, किसी और एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट में इसी पॉलिसी से मैक्सिमम पूछा जाएगा। ये नहीं है कि पिछली पॉलिसी से, उनसे कंपेरिजन भी होगा, उसके लिए डिफरेंट लंबा वीडियो है, वो आप क्वेश्चन का देख सकते हो। यहां पर इस वीडियो में सिर्फ बात करूंगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो न्यू स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन दिया है, यहां पर ये इमेज उसी फाइल से उठाई गई है। यहां पर प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसका कलर देखिए आप, थोड़ा लाइट लाइट रखा है। ये कहने की कोशिश की गई है कि ये थोड़ा लाइट लाइट प्लानिंग थी इस पॉलिसी में, राजीव गांधी जी ने की थी, और ये कलरफुल है, न्यू है, चेंज है। तो डिफरेंस क्या है, पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर में ये ब्लैक है, इट मींस इसको पहले अवॉइड किया गया था, यहां पर अवॉइड नहीं किया गया, ये बात है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि पिछली में ये ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक क्या है कि इसमें एज 6 से 16 तक की एजुकेशन की बात की गई है, जिसमें 10 क्लासेस आ रही है, और जो हायर है 16 से 18 साल कि 10+1 और 10+2 दो क्लासेस हैं, ये आ रही हैं। ये हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर चल रहा है, ये अब न्यू स्ट्रक्चर आने वाला है। चेंज क्या आया है, फर्स्ट जो जिसको अवॉइड किया गया था उसको शामिल कर दिया गया है। उसमें क्या है कि 3 साल बच्चे के और एजुकेशन में ऐड कर दिए गए हैं फर्स्ट क्लास से पहले। उसको क्या कहा गया है, नाम क्या है, नंबर 1 आंगनवाड़ी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कि जो फाउंडेशनल फर्स्ट जो स्ट्रक्चर का लेवल है, लोएस्ट लेवल है, उसमें कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं, उनमें से कौन सी एज कवर की गई है, उनमें कौन सी क्लास कवर की गई है। एज है 3 से 6 और टोटल इससे कितने साल है, 3 साल। लेकिन यहाँ डॉट है, इट मीन ये इंटरेक्ट कर रहे हैं इधर को, ये एक ही ब्लॉक है, लेकिन डिवीजन है कि ये नया शामिल किया गया है। इसके अलावा 3 साल ये 2 साल ऊपर हैं, वो कौन से हैं, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड, साल कौन से हैं, 6 से 8 तक। तो ये टोटल हो गया फाउंडेशनल एजुकेशनल स्ट्रक्चर, नया नाम है। इस पर क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे हैं, आपने ही लर्न कैसे करना है आगे चल के बताता हूं। ये पहले इसको, इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सेकंड स्ट्रक्चर आ गया, ये है एज 8 से 11 तक, ये भी याद रखनी है। 8 यहां भी आएगा, 8 यहां भी आएगा, ये ओवरलैपिंग है। इसको लर्न कैसे करना है आगे चल के देखते हैं। क्लास इसमें कौन सी है, 3 से 5, और इसमें टोटल कितने साल लग गए, 3 साल। यहां पर लिख लेते हैं, दिखाई नहीं देता, 3 साल यहां लगे हैं और फाउंडेशन में 5 साल लगे हैं। स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा ना, 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4। ओके, ये जो अगर इनसे पिछली से इसको कंपेयर करें, 3 से 5 साल तक बनी, ये यहां तक 5 साल बन गए। तो इसको पहले क्या कहा जाता था, लोअर प्राइमरी और 5th क्लास तक, 5th क्लास। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेपरेटरी किसके इक्वल थी पिछली जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था। अच्छा, इसका नाम भी याद रखना है, इसको एकेडमिक स्ट्रक्चर कहा गया है, इसको न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर कहा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपका आंसर होगा कि प्रेपरेटरी इज इक्वल टू लोअर प्राइमरी, 5th तक है। लेकिन एग्जैक्ट पूरी नहीं है, क्योंकि 3 साल है इसमें, 3 साल इसमें ही शामिल कर दिए गए, लेकिन ज्यादा इसमें कवर हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मिडल में कौन सी एज है, 11 से 14 साल। ये क्लास कौन सी है, 6 से 8। इसमें टोटल कितने साल या कितनी क्लास होगी, 3। यहां पर हमने 3 लिख दिया। ओके, तो ये 8th क्लास तक यहां तक आ गए। इसको क्या कहा जाता था पिछली उसमें, अपर प्राइमरी, पिछले एकेडमिक स्ट्रक्चर में अपर प्राइमरी कहा जाता था 8 को, इवन मिडिल वर्ड भी यूज किया जाता। अब आपके पास आ गया 4th पिलर जो है, एज 14 से 18 साल तक और क्लास 9 से 12 तक। पिछले में क्या था कि ये 10th तक था, यहां तक हो गया आपका 10th का, ये 10th तक था। 10th को क्या वर्ड यूज किए जाते थे, सेकेंडरी जहां हाई। ओके,
लेकिन अब सेकेंडरी के मीनिंग इट मींस बड़े हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 10+1 और 10+2 शामिल कर दिए गए हैं। यहां पर ये दो साल अलग थे, इसमें कंबाइन कर दिए गए हैं। मीन जो 9th से 10th थी और 10+1 10+2 उनको कंबाइन करके ये बन गए 4 साल, यहां पर आ गया 4 साल। तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, पहले 5 साल प्लस नेक्स्ट प्रिपरेटरी के 3 साल प्लस मिडल के 3 साल प्लस 4 ईयर 10+2 तक। एज क्या हो गई, 3 से 18 साल तक। अच्छा, इसको याद कैसे करना है वो भी करते हैं, धीरज रखिए। अब ये देखिए कि नया क्या है इसमें, नया फाउंडेशनल वर्ड नया है, दूसरा हां प्रेपरेटरी वर्ड नया है, सेकेंडरी वर्ड नया नहीं है, लेकिन सेकेंडरी की डेफिनेशन चेंज हो गई है। जो 10th तक थी, पहले मैंने बताया कि 10th तक थी, ये अब सेकेंडरी में जो पहले इसको सीनियर सेकेंडरी कहा जाता था, हायर सेकेंडरी कहा जाता था, सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी किसको बोला जाता था, +1 2 को, ठीक। जब अकेला वर्ड सेकेंडरी था तो 10th क्लास थी, लेकिन अब सेकेंडरी के लिए 10+2 तक वर्ड यूज किया जाता है। हाँ, मिडल बिल्कुल एग्जैक्ट जो सेम रहा वो पिछला, ये रहा मिडल, पिछला मिडल रहा, और ये जो सर्कल मैंने 3 किए इनमें चेंज आए हैं। अब हम लर्न करेंगे कि इसको याद कैसे करना है, उसके लिए हम चलते हैं। अच्छा, मैंने ये सबसे पहले याद करना है, ये सबको याद करना है, और आप कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, इंफॉर्मेशन को माइंड में रखना कैसे है, रिकॉल कैसे करना है, उसके लिए ये जो पिक्चर है, डायग्राम है, आपको हेल्प करेगी। इसमें सबसे पहले अपने कॉपी पेन लेके अपनी डायरी में या जो भी नोटबुक है आपके पास, एज लिख लीजिए, 1st से लेके मैं 18 साल तक एडोलसेंट तक एज लिख ली है। ऊपर मैंने आर्टिकल 45 लिख लिया, क्योंकि जब भी यूनिवर्सलाइजेशन और प्राइमरी एजुकेशन की बात आती थी तो आर्टिकल 45 ही पढ़ाया जाता था बीएड ईटीटी में। तो वहां क्या है, ये किसमें था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे, लेकिन उसके लिए कोई बंधन नहीं था, ये सुजेशन था, सुजेशन को स्टेट माने या ना माने, डायरेक्शन थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल था। तो वो किस एज के लिए, आर्टिकल 45 था पुराना, पुराना वो हो गया यहां तक, इसको थोड़ा सा ये हो गया 6 साल थे, किस साल तक, 14 साल तक, ये लाइन पहले यहां तक रखते हैं साथ में। फिर उसके बाद आरटीई एक्ट 2009 आया, जिसका फुल नेम है, क्वेश्चन में बनता है, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट फॉर चिल्ड्रन। ये पास कब हुआ, 4 अगस्त 2009 को, और ये आर्टिकल 45 से निकाल के किस आर्टिकल में डाल दिया गया, इसका नया जो चेंज राइट बना वो 21A, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है ये। और इसमें एज क्या शामिल की गई कि किस एज के बच्चों को आरटीई एक्ट कंपलसरी राइट देता है एजुकेशन का, वो वही है, यही लाइन ही एक्सटेंड हो जाएगी 6 से 14 साल। अब रही कि हमने ये देखना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और प्रीवियस के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे याद रखना है, उसके लिए आपको सबसे पहले क्लास याद रखनी होगी कि फर्स्ट क्लास में बच्चा कब हो, जहां ये उसके पैरेलल क्लास कौन सी बनती है, नंबर एक, ये यहां पर देखते हैं 6th क्लास, यहां 6 को नहीं भूलना, और इसका नुक्ता भी यही है, यहां पर 1 नंबर लिख लीजिए कि फर्स्ट क्लास। पर कंफ्यूजन क्या होगी, मुझे ये ग्राफ क्यों बनाना पड़ा या डायग्राम क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि ओवरलैपिंग है 1 साल की, आपको जब 6 साल के बच्चे की कैलकुलेशन करोगे तो 7 साल का बच्चा भी हो सकता है। मीन अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो 6 या 7 साल का होगा, इट मींस यहां पर हम 1 साल यहां लिखेंगे कि फर्स्ट यहां से शुरू हो रही है, वो 6 या 7 का हो सकता है। तो अब न्यू एजुकेशन, देखिए आर्टिकल 45 भी वहां से स्टार्ट होता है, आरटीई एक्ट भी 6 साल से ही शुरू हो रहा है, और क्लास भी फर्स्ट 6 साल से शुरू हो रही है। न्यू स्ट्रक्चर को हम समझने के लिए एक डिवीजन बनाएंगे, वो भी 6 साल को कवर करेगी। कैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या कह दिया है कि ये जो 6 साल से पहले 3 साल है, ये वाले 3 से ये रहे यहां से यहां तक, ये 3 साल, ठीक,
ठीक, ये पहले इग्नोर किए गए थे, उन्होंने कहा है कि ये इग्नोर अब नहीं किए जाएंगे, इनको एजुकेशनल स्ट्रक्चर में शामिल कर लिया गया है। कितने साल, एक दो तीन ऐसे गिन लो, जहां चार से गिनो, एक दो तीन, क्योंकि एक ईयर की ओवरलैपिंग होगी, दैट इज वाई आपने फर्स्ट यहां लिखा है और दो साल अगले ऐड किए गए किए हैं इन्होंने। ये रहे आपके दो साल यहां, अब हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड, ये पहले याद रखना है। ये कितने हो गए, ये हो गए तीन जमा दो, ये टोटल हो गए, यहां पर बड़ा करके लिखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, ये इकट्ठे हो गए फाइव ईयर। ठीक, और इसको क्या कहा जाने लगा, क्या कहा इनको, यहां पर लिखेंगे इनको ये ऐसे करके, ये इसमें नीले पेन से, नीले से फाउंडेशनल, हमने कैसे याद रखा, छह साल से, छह साल सात की ओवरलैपिंग है, छह और सात में फर्स्ट क्लास है, इस इट मींस हमने सात ही मान के चल दिया, सात से फर्स्ट क्लास है और सेकंड क्लास होगी एट तक, और एट तक पहला जो ब्लॉक बन गया आपका, ये बन गया आपका फर्स्ट, यहां से यहां से यहां से ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बन गया जो हम पीछे देख के आए हैं। नेक्स्ट एट्थ से ये पांच, ऐसे याद रखना था जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखना है, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, पांच इससे शुरू होना है, लास्ट में क्या है चार, लास्ट के ज्यादा, पहले बीच में क्या है तीन जमा तीन, अब नेक्स्ट तीन आएंगे, एक दो तीन, इट मींस अब होगा यहां तक नया, ये क्लासेस होंगी, क्लासेस कौन सी होंगी, ये सेकंड थी, आपने इसको डिफरेंट कलर करना है तो चलो नहीं, थर्ड ये हो गई थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, तो फिफ्थ तक दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये रहा आपका फिफ्थ तक दूसरा स्ट्रक्चर, ये इसका नाम क्या रख दिया, इसमें लिख देते हैं नाम, यहां से उठा के, प्रेपरेटरी, प्रीपेरेटरी, इसमें कितने साल हैं, इसमें यहां पांच थे, इसमें आ गए तीन साल, और अब अगर आगे भी तीन है, कितनी कौन सी क्लास, क्लास आएगी सेवंथ एट्थ, यहां तक एट्थ क्लास इज मेजर, क्योंकि यहां तक पहले भी आरटी एक्ट भी और 45 भी, और यहां तक एट्थ क्लास तक फोकस हमेशा ही रहा है, तो जिसको मिडिल कहा गया यहां मिडिल लिख देंगे, कलर चेंज कर लगे अगर जी चाहता है, दिल चाहता है ना, मिडिल कर दिया गया, मिडिल के बाद हमारी इनके कितने साल बने, ये वो भी नोट कर लिया, तीन साल बन गए, पांच जमा तीन चार रह गए, और ये हो गई आपके नाइन्थ टेंथ, टेन प्लस वन एंड टेन प्लस टू, चलो टेन प्लस टू, अब ये कितने साल हो गए, ये हो गए पूरे आपके चार साल, यहां पर लिखेंगे चार, और इसका नाम क्या हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी। अब आपने प्री के साथ इसको कंपेयर करना है, तो आप एक लाइन लगाइए यहां से, प्री वाला स्ट्रक्चर क्या था, ये वाला, ये चला आ रहा है यहां तक से, यहां से लाइन लगाइए, ये फर्स्ट क्लास से शुरू हो रहा था, वो भी सिक्स्थ से था, यहां से शुरू होके ये यहां से शुरू होके यहां तक था, इसको क्या कहा जाता था, लोअर प्राइमरी, कई बार इसको अकेला प्राइमरी भी बोला जाता था, और जो एट्थ तक था ये पुराना स्ट्रक्चर है, वो हो गया अपर प्राइमरी, इसको अब्लीक डाल रहा हूं, एलिमेंट्री भी बोला जाता था, है ना, एलिमेंट्री ईटीटी एलिमेंट्री वर्ड वहां से आया है, अब डिप्लोमा इन डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एलिमेंट्री आ गया, तो ये जो था सेकेंडरी, ये था यहां तक 16 तक, यहां तक था पिछला, ये रहा सेकेंडरी, ओके, ये जो दो साल थे इसको हाई भी बोला जाता था, ओब्लिक ये जो दो साल थे 10 प्लस 1 और 2, इसको बोला जाता था सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। तो ये हो गए आपका ये ग्राफ, आपको कोई एज पूछी जाती है, कोई कंपैरिजन किया जाता है इस चार्ट से, पर ये जरूरी है, स्ट्रेटेजी भी है साथ में, इसको देख के नहीं लगाना, इसको सारा अपनी कॉपी पर लिखना है जैसे मैंने बनाया है मेरे, इसको देखे बिना आप एक बार बना लीजिए, सब कुछ याद रहेगा।
इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो। जो वीडियो है रिगार्डिंग एजुकेशनल स्ट्रक्चर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके रिगार्डिंग और भी कई क्वेश्चन, टोटल काफी क्वेश्चन बनाए हैं, 115 क्वेश्चन है, उसका लिंक नीचे दिया गया है, वो आप देख सकते हो। रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर अलग से वीडियो है, वो देख सकते हो। और जो बेसिक कंसेप्ट है स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, उसके डिफरेंट वीडियो है, लिंक नीचे दिए गए हैं, देख सकते।